नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। चिनोह सेंट्रल बैंक के पास 20 वर्ष पहले एक बड़ी पानी की टंकी बनवाई गई थी, जिसकी आज तक ग्राम पंचायत द्वारा साफ सफाई नहीं कराई गई। टंकी में कीचड़ भरा है, टंकी के ऊपर ढक्कन और जाल भी नहीं लगा है। इसमें पक्षी पानी में गिर जाकर मर जाते हैं। इसी पानी की सप्लाई रहवासियों को की जाती है। चिनोह से संवाददाता ज्ञान सिंह मौर्य की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंटी अशोक अग्रवाल। हाँ बताएं। सीनियर समस्या जो है सर, पहले से कि इसे टंकी के बाल आज से 2017 से भी ख़राब है। जब भी टंकी पर चढ़ना पड़ता है, अंदर बंद करके आना पड़ता है, खोलने के लिए भी ऊपर जाना पड़ता है। मैं समस्या सचिव को, सरपंच को, सभी को पता है, पूरे ग्रामीणों को भी पता है आसपास, लेकिन आपकी समस्या कोई सॉल्व नहीं हो पा रही। पूरे बाल भी खराब है, टूट ली। पूरी जनता का पूरी अपने पर दबाव डालती है, लेकिन अपन सरपंच से बोलते बोलते हो जाएगा काम, खर्चा जाना आ रहा है। अब मैं क्या करूँ इसमें? लगभग कितने बाल लगे हुए हैं? लगभग बाल तो 13-14 आ रहे, लेकिन 5-6 बाल तो मैं नहीं है इसमें टंकी में। एक तो टंकी का मेन बाल है, एक डायरेक्ट बाल सप्लाई है, तीन मेन है, बस स्टैंड पर वो भी मैं नहीं है। तो लगभग इस टंकी से कितने कनेक्शन धारी होंगे नल का? कनेक्शन ये क्या, करीब कनेक्शन धारी है इस पर। आपको टंकी में उतरना चढ़ना किस लिए पड़ता है? इसलिए किसका मेन बाल खराब है, आज से 4 साल से ही खराब।